सी लैंग्वेज सीखना लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ था ना इंग्लिश मैं, चाहे वो सी लैंग्वेज हो, पाइथन हो, जावा हो, ये कुछ रिप्रेजेंट होता है, दिखता है कि हाँ भाई काम हो रहा है, बट सी लैंग्वेज में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। प्रणाम दोस्तों, की हाल चाल। सी लैंग्वेज सीखना लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से सीखे, कौन से वीडियो लेक्चर फॉलो करे, कौन से पीडीएफ को फॉलो करे और पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें, तो ये सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं एक एवरेज स्टूडेंट के लाइफ में, और मेरे भी लाइफ में ऐसा क्वेश्चंस रहता था, फिर भी मैं डरा नहीं इस सब चीज से और सर्च किया कि भाई इजली कहाँ से सीखे लैंग्वेज। मैं भी आपकी तरह सर्च करता था कि भाई सी लैंग्वेज कहाँ से सीखे, तो मेरे को एक बुक रेफर किया गया किसी फ्रेंड के द्वारा कि भाई तू ये बुक फॉलो कर। मैंने देखा उस बुक को, काफी अच्छा बुक था, बेसिक चीज सिखाए गए थे, इतने इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ था ना इंग्लिश, मैं पढ़ के इंटरेस्ट आने लगा। मेरे को कोडिंग में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था, चाहे वो सी लैंग्वेज हो, पाइथन हो, जावा हो, ये किसी भी लैंग्वेज में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। एक HTML CSS मेरे को इंटरेस्ट था उसमें, बिकॉज उसमें कुछ रिप्रेजेंट होता है, दिखता है कि हाँ भाई काम हो रहा है, बट सी लैंग्वेज में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, इसलिए इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो इस इंटरेस्ट को बना के रखने के लिए एक मैं बुक आपको सजेस्ट करूंगा, और सजेस्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करो, अभी आपका बहुत जरूरत है इस चैनल को। अभी छोटे छोटे चीज हम ला रहे हैं, ट्राई करेंगे कि इससे बड़े बड़े चीज लाएं और बहुत सारा काम करें इस चैनल पे, और बहुत सारा चीज आपको मिले इस चैनल के जरिए। तो चलिए हम बुक का नाम बता देते हैं, और उस बुक का नाम है लेट अस सी, जो कि यशवंत कानेटकर जी ने लिखा है। बहुत बेसिक टर्म्स को डिफाइन किए हैं, जैसे हैश के बारे में स्टूडेंट को पता नहीं होगा, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये हैश ही क्यों लगाया, डॉलर भी लगा सकते थे, @ भी लगा सकते थे, लेकिन हैश ही क्यों, यहाँ पे कॉनियो डॉट ही क्यों लगाया, .h ही क्यों लगाया, .y भी लगा सकते थे। तो ये सब चीज कॉमन क्वेश्चन आते हैं आपके लाइफ में, भाई कौन सा एक्सटेंशन यूज करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है। तो ये सब सारे क्वेश्चन एक एवरेज स्टूडेंट के लाइफ में जो भी कॉमन स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, मैं IIT NIT स्टूडेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, उनको इतना मटेरियल मिल जाता है, इनका इतना सपोर्ट मिल जाता है टीचर का, जो कि वो इजली कर सकते हैं, बट एक एवरेज स्टूडेंट जो एवरेज कॉलेज से बिलोंग करता है वो ये सब नहीं कर पाता। जैसे मैं भी एक एवरेज कॉलेज से ही बिलोंग किया हूँ, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, एवरेज से भी पुअर बोल लो वो रहा हूँ मैं, तो मुझे इंटरेस्ट आना चालू हो गया वो बुक पढ़ने के बाद, बिकॉज उसका जो इंग्लिश था ना भाई बहुत ईजी, बहुत बेसिक इंग्लिश, जो एक बच्चा पढ़ ले ना वैसा, थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा भी वो इंग्लिश पढ़ के समझ ले, ऐसा इंग्लिश आपको उस बुक्स में मिलेगा। तो बुक का नाम ऑलरेडी मैंने बता दिया कि लेट अस सी उस बुक का नाम है, आपको अगर डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, अगर आपको एक हार्ड कॉपी चाहिए तो आप इजिली परचेज कर सकते हो, पटना के आप गांधी मैदान जाओ, वहाँ पे गेट नंबर 7 पे शायद बुक बहुत सारे मिलते हैं, तो आप ओल्ड बुक परचेज कर सकते हो कम रेट में, और भी अगर नए बुक्स परचेज करना है तो बहुत सारे लिंक्स है आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं डालूंगा ये सब चीज़ का। ओके, और बता दूँ कि आपको बहुत सारे जगह पे मिल सकता है, अपने फ्रेंड से मांग लेना, उनके पास हो सकता है बुक, तो लेट अस सी एक बार ट्राई करो, अच्छा बुक है, बेसिक चीज समझाया गया और बहुत सारे एग्जांपल्स भी आपको वहां पे दिए गए हैं, अगर एक बार ट्राई करते हो तो डेफिनेटली आपको बुक समझ में आने लगेगा। और प्लीज वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।